Who has gone from here? All of you should hear, okay? Now the world is too much with us. From here we will start. The sea that wears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers, for this, for everything we are out of tune. The sea that bears her bosom to the moon. Sea ke bosom mein kya dikhai deta hai? Moon. Okay? Bosom matlab god mein. The winds that will be howling at all hours. जो हवा है वो पूरे टाइम, ऑल ओवर्स मतलब सभी घंटों में क्या करती है, मूव करती है, आवाज करती हुई दिखाई देती है. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और वी आर जस्ट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. हम कैसे हैं? स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह. क्यों? क्योंकि देखिए, हम जिन पर चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर, नेचर प्रकृति की चीजों पर, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट. लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं? भौतिकता की तरफ. मैटरलिस्टिक बन गए हैं हम लोग. वी एवर प्रीफर मनी. ओके, हम हमेशा मनी को प्रीफर करते हैं. वी एवर थिंक अबाउट कलेक्शन ऑफ द थिंग्स. मेटरलिस्टिक होना, इट मीन्स बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना. वी एवर थिंक अबाउट इट. ओके, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स अवर कॉन्शियस. हमारी कॉन्शियस के प्रति हम सतर्क नहीं है, बिकॉज ऑफ वी नेवर पे अटेंशन टूवर्ड्स अवर सोल. हमारी सोल में भगवान निवास करता है, हमारी अंतरात्मा में गॉड रहता है. हम उस तरफ नहीं ध्यान देते हैं. We are paying attention towards the collection of the things. We ever see towards the people who are rich in our society. We ever think about them. हम केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं जो कि अमीर हैं, जो सोसाइटी में बहुत आगे बढ़े हुए हैं. We ever think about them. हम केवल उन्हीं के बारे में सोचते हैं. Clear? और that is why we always want to collect. Name, fame, money and power. We always want to collect name, fame, money and power. That is why we run after them. Hum unke piche bhagte hain. Okay. Collection of the things is always aim of us. Hamara uddeshya ban gaya hai cheezon ka collection karna. Okay. So, we are out of tune. Hum out of tune ho gaye hain. Hame ek rhythm nahi hamara raha life ka. हमारी एक लाइफ प्योर लाइफ नहीं हुई, और हम पैसों के पीछे, पावर के पीछे भागते फिर रहे हैं. और दैट इज व्हाई हम चीजों का कलेक्शन नहीं कर रहे हैं. हम आउट ऑफ, सॉरी, कलेक्शन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई हम अपनी सोल को, गॉड को प्रेफर नहीं कर रहे हैं. तो हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं. ओके, एंड इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड. I had rather be a pagan circled in a creed outworn. Here the poet wants to describe that it moves us not. ये हमें नहीं ले जाता है किस तरफ? God की तरफ. It means great God की तरफ. Because of we want to collect the things. हम चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए we never pay attention towards God. हम God की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. Okay. God is great. God बहुत great है, और whatever we have, we should satisfied with it. हमारे पास जो भी है, हमें उससे satisfied रहना चाहिए. Okay? A pagan circled in a creed without creed outworn. कह रहा है pagan, it means a religious person. एक religious person pagan कहलाता है. Circled in a creed outworn. कहने का मतलब यह है कि क्रीड्स के अंदर, हमारी क्रीड्स, क्रीड्स मतलब जानते ही आप, हमने आपको कल बताया था, ह्यूमंस के और प्लांट्स के दोनों के क्रीड्स होती हैं, नसें होती हैं, वेंस होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमको वाटर, एयर, सबका जो 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 नेसेसिटी चीजें, नेसेसरी चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद जो पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड कराती हैं वो ये वेंस ही होती है, क्रीड ही कहलाती हैं वो. ओके,
तो क्रीड से क्या होता है, आउटवर्न, आउटवर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली बिकॉज ऑफ वी, आई एम स्टैंडिंग हेयर इन द प्लीजेंटली, प्लीजेंटली बिकॉज ही लाइक द ग्रीनरी एंड प्लांटेशन एंड ही इज हैप्पी देयर. वो उस जगह पर ली में, पास्चर लैंड में, ली का मतलब होता है पास्चर लैंड, वो हैप्पी फील कर रहा है पास्चर लैंड में, ग्रीनरी में, और वो कहना चाहता है कि आई एम हैप्पी देयर वाई स्टैंडिंग इन अ ली एंड बिकॉज ऑफ आई एम द सपोर्टर ऑफ, किसका सपोर्टर है वो, नेचर का. ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द सपोर्टर ऑफ नेचर, प्रकृति का सपोर्टर है. क्लियर, हैव ग्लिम्पस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन. वो कह रहा है हमें ग्लिम्पस मतलब झलक, किन चीजों की झलक, बहुत सारे लोग कलेक्शन में लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर हाउसेस बना रहे हैं, कैसे, उन प्लांट्स को साफ करके, ठीक है, जो प्लांटेशन है उसकी तरफ वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, कलेक्शन की तरफ, और किससे हम सुपीरियर घर बना सकें, दे पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट, उसमें नहीं लिखा है, वो केवल इस तरफ अटेंशन कर रहे हैं कि उनका घर दूसरों से सुपीरियर होना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाई पोएट ये कहना चाहता है कि ये चीजें मुझे फॉरलॉर्न बना देती हैं, इट मीन्स मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं अकेले, लॉन मतलब होता है यहाँ पर बोल रहा है अलोन, आई वॉन्ट टू लिव अलोन बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर रनिंग आफ्टर द नेम, फेम, मनी एंड द पावर, दे ऑलवेज वॉन्ट टू एक्वायर समथिंग एंड आई एम नॉट एग्री टू एक्वायर एनीथिंग. ओके, क्योंकि हम इन चीजों, मैं कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ बिकॉज ऑफ आई एम सपोर्टर और वी कैन से ही इज द वर्शिपर, पूजा करने वाला है, किसका, प्रकृति का, बिकॉज ऑफ ही इज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रेमी है वो, पुजारी है वो प्रकृति का, वो बहुत नेचर को बहुत ज्यादा लाइक करता है, प्रेम करता है, दैट इज वाई वो ये कह रहा है आई वॉन्ट टू लिव अलोन आई बिकॉज ऑफ आई डोंट वॉन्ट टू सी द पीपल हु आर रनिंग आफ्टर नेम, फेम, मनी एंड पावर. जो लोग पैसे के पीछे भागना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहता हूँ. ओके, हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइसिंग फ्रॉम द सी. अब वो कह रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है, एक दृश्य दिखाई दे रहा है, कैसा, प्रोटेस्ट मीन्स, प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या है मैम, प्रोटियस एक माइथोलॉजिकल गॉड है. यस, माइथोलॉजिकल गॉड है. वो कहाँ से राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, सी से. सी से. और जब सी से निकलता हुआ गॉड दिखाई दे रहा है, नाउ ही इज गेटिंग रिलीफ. हु इज गेटिंग रिलीफ, विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ अब खुश हो जाता है. ओके, और हियर ओल्ड ट्राइटन, और वो ट्राइटन को भी, ट्राइटन इज ऑल्सो अ गॉड, ओके, ग्रीक गॉड, तो वो उसको हॉर्न बजाते हुए सुनता है, शंख बजाते हुए सुनता है. ओके, शंख यहाँ पर उन्होंने यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हॉर्न का यूज किया है. वो उसको शंख बजाते हुए सुनता है, जिससे वो हैप्पी हो जाता है. अब वो हैप्पी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है, क्या लगता है, कि जैसी पुरानी चीजें थी, जैसा कि सब कुछ चल रहा था, ओके, ये दोबारा से आ जाएगा. पास्ट में लोग क्या करते थे, गॉड की वर्शिप करते थे, अपनी सोल पर बिलीव करते थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते थे. ओके, सोल एंड स्पिरिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सोल एंड स्पिरिट. कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सोल और स्पिरिट में क्या अंतर होता है, सोल का मीनिंग क्या होता है, स्पिरिट का मीनिंग क्या होता है, बताइए. ये आपकी कॉम्पिटिटिव में आने वाली चीजें हैं. हाँ बताओ लक्ष्मी, कि सोल का मीनिंग क्या है और स्पिरिट, आत्मा और स्पिरिट. मैम स्पिरिट अपने करने का कुछ जज्बा, देखिए जज्बा भी होता है, बट स्पिरिट एक रिलेटेड टू द सोल इज ऑल्सो. हाँ, प्योर सोल इज हियर प्योरिटी. ये जो आत्मा है वो प्योरिटी से, फुल ऑफ प्योरिटी.
अब इस आत्मा को स्पिरिट की जरूरत है, ठीक है? स्पिरिट मतलब इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है. इट्स ऑलरेडी, सोल इज ऑलरेडी प्योर, लेकिन स्पिरिट जो है मे बी इविल, इविल स्पिरिट बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी. ईश्वर ने हम सबको बनाया है, ओके? तो गॉड ने जब हम सबको बनाया है, लेकिन हम में से कोई अच्छा है और कोई बुरा है, ओके? दैट इज द स्पिरिट ऑफ देम, ये उनकी स्पिरिट है, ओके? तो स्पिरिट क्या होती है? अंतरात्मा को हम जब प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, ओके? सो दैट इज कॉल्ड स्पिरिट. और सोल क्या है? ऑलरेडी गॉड के द्वारा गिवन है. देखो, भगवान जो है हर व्यक्ति की अंतरात्मा में निवास करता है, ओके? अब देखिए, जब गॉड सबकी अंतरात्मा में है, बट वी आर नॉट डूइंग द बेस्ट, फिर भी हम सबसे अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को स्पिरिट कैसी मिली है, हम कैसा करना चाहते हैं, ओके? इट्स डिपेंड अपॉन अस, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है. तो दैट इज वाई स्पिरिट और सोल में ये अंतर है. क्लियर? अब नाउ यहां पर पोएट क्या कहता है? पोएट बिकम्स हैप्पी, हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ट्राइटन जो है वो क्या कर रहा है? अपना हॉर्न बजा रहा है. वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है? कि अब एक अच्छा समय आएगा और एवरीबडी विल लाइक नेचर, हर कोई नेचर को प्रेम करेगा. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. ओके, सो नाउ इन द एग्जामिनेशन सम क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता, समझ रहे हैं? आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप 11th में आ गए हैं, 10th के जैसा एक्सप्लेनेशन अब नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई अपन को इसमें से क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव हियर, आपको मैं क्वेश्चन लिखूंगी यहां से और फिर आपको उसमें से आंसर देना होगा. What we want to get late and soon, okay? What we want to get later or sooner, या फिर late or soon, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं later or sooner? क्या चीज? मैम, इस वर्ल्ड के अंदर हम अपने नेचर को और अपने आप को, खुद को ढूंढना चाहते हैं, और कभी ना कभी हम इस नेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम इस नेचर से जुड़े हुए हैं, हम इसी से बने हुए हैं. पोएट क्या कहना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, पोएट जुड़ा हुआ है नेचर से बेटा, ये पोएट केवल जुड़ा हुआ है नेचर से, वी आर नॉट, हम नहीं जुड़े हुए. हम क्वेश्चन नेम फेम और मनी बोलना चाह रहा है. यस यस, व्हाट वी वांट टू गेट लेटर सून, क्योंकि हमारा हैबिट है, वी एवर रन आफ्टर नेम फेम मनी एंड पावर, दैट इज व्हाई वी वांट टू कलेक्ट. सो वी रन आफ्टर टू कलेक्ट नेम फेम मनी एंड पावर लेटर और सूनर. ओके, राइट डाउन द आंसर. Have you written question? Yes, ma'am. Okay, and you should write answer also. Next question. Little we see, they are in nature. That is us. What is there? What is there in nature? क्या चीज है प्रकृति में? What we see in the nature? कौन सी चीज हम प्रकृति में देख रहे हैं?
देखिए आंसर इतने इजी नहीं है इसके, सो दैट इज व्हाई ट्राई टू गिव आंसर. हाँ आप बताइए कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज देयर इन नेचर, नेचर के अंदर क्या है. लक्ष्मी व्हाट इज देयर इन नेचर. मैम मैम विलियम वर्ड जो पोइट है उनके अकॉर्डिंग नेचर के अंदर बहुत कुछ है और नेचर से ही हम बने हुए हैं, लेकिन पीपल के थ्रू मतलब हमारे थ्रू नहीं. अभी हमने एक मिनट अभी हमको ये नहीं लिखना है कि हमारे थ्रू क्या है, अभी सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज नेचर. हाँ बताइए प्रिया. मैम अब नेचर, मैम ऐसे लगता है नेचर से अपनापन मिलता है. नेचर इज एवरीथिंग फॉर अस, ओके. नेचर हमारे लिए सभी कुछ है. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो. देखिए क्या होता है, प्रकृति जो है वो गॉड के नियर है, ओके. प्रकृति इट मींस नेचर इज नेक्स्ट टू गॉड, गॉड से नेक्स्ट है, समझ गए. तो दैट इज व्हाई हमेशा प्रकृति ही बेस्ट है, ओके. सो नेचर इज द बेस्ट और आंसर विल बी हियर. What is there in nature? God is Excuse there me, in ma'am. nature. Yes. हाँ. मैम क्लास आ गई हमारी. Next class. Class. Yes, ma'am. Which class? मैम eco. Okay. तो if the time is over, okay. No, ma'am. आपका time जो है वो 11:20 का है. 11:58 हो गया है ऑलरेडी, ओके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाउ टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर, ओके. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके बेटा.